चाहे कपड़े हो, ग्रोसरीज हो, दवाइयाँ हो या हो कोई भी घर का अन्य सामान, और आपको चाहिए हो इंस्टेंट डिलीवरी, अभी डाउनलोड करिए बिग ब्लिस ऐप। बिग ब्लिस ऐप पहुंचाएगा सारा सामान 10 मिनट में। बिग ब्लिस ऐप है खुशियों की अपनी दुकान। फसल पैटर्न में बदलाव करके किसानों ने उत्पादन बढ़ाने की कोशिश की और ये सफल भी रहा। इस साल महाराष्ट्र में चने का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है। इसके बावजूद किसानों की आमदनी में बढ़ोतरी नहीं हुई क्योंकि उन्हें अच्छा भाव नहीं मिल रहा है। सोयाबीन, अरहर और चने की कीमतों में पिछले 8 दिनों से लगातार गिरावट जारी है। जहाँ अधिक आवक होने पर प्रसंस्करण उद्योग में शामिल लोगों ने चने का स्टॉक कर लिया है, वहीं अब चने की कीमत घटकर कई जगहों पर सिर्फ 4100 रुपये प्रति क्विंटल रह गई है, जबकि इसकी MSP 5230 रुपये प्रति क्विंटल है। बीड जिले में आने वाली वाडवानी मंडी में MSP से 1830 रुपये क्विंटल कम दाम पर किसान अपना चना बेचने के लिए मजबूर हैं। ऐसे में अब किसानों के पास सरकार द्वारा तय खरीदी केंद्र पर बेचने के अलावा कोई चारा नहीं बचा है। गारंटी केंद्र और खुले बाजार के दाम में कहीं 1130 रुपये क्विंटल का अंतर है तो कहीं 1800 रुपये का। पहले किसान खरीदी केंद्रों के उलझन वाले नियमों के चलते खुले बाजार में उपज बेचना पसंद कर रहे थे। सरकार द्वारा तय खरीदी केंद्रों पर फसल बेचने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, जिसमें लैंड रिकॉर्ड आदि देने की बाध्यता है। महाराष्ट्र के बाजारों में चने की आवक बढ़ी है क्योंकि इसका अभी सीजन चल रहा है। बाजार के जानकारों का कहना है कि दाम कम होने की एक वजह यह भी है, रबी सीजन अंतिम चरण में है और सोयाबीन का भाव भी जमीन पर है। इसका भी किसान भंडारण करने पर जोर दे रहे हैं। किसान कीमत का अंदाज़ा लगाकर उपज ला रहे हैं, लेकिन जिनके पास पैसे की कमी है वो लोग मजबूरी में MSP से सस्ते दाम पर अपना चना बेचने के लिए मजबूर है। अब कीमत की तस्वीर भी बदल गई है। सोयाबीन की कीमतों में पिछले 1.5 महीने से गिरावट जारी है। अब कीमतों में बढ़ोतरी की उम्मीदें धूमिल हो रही हैं। बीड जिले में आने वाली माजलगांव मंडी में चने का मॉडल प्राइस 4200 रुपये क्विंटल, हिंगोली में 4188, परली वैजनाथ मंडी में 4150, तो वाडवानी में 3400 रुपये प्रति क्विंटल तक है। जहां इस समय कपास, सरसों और गेहूं का रेट कई खुले बाजारों में MSP से अधिक चल रहा है, वहीं चने का भाव काफ़ी नीचे है। नेफेड के माध्यम से प्रदेश में चने की खरीद शुरू हो गई है, फिर भी किसानों को फायदा नहीं हो रहा है। महाराष्ट्र में चने का अच्छा उत्पादन है। सीजन की शुरुआत से ही खरीदी केंद्र पर खुले बाजार के मुकाबले रेट ज़्यादा हैं। इसके बावजूद किसानों ने खुले बाजार में चना बेचने पर जोर दिया है, लेकिन पहले कीमत में सिर्फ 300 रुपये का अंतर था, जो कि अब यह अंतर 1100 रुपये से अधिक का पहुँच गया है। इसको देखते हुए जानकारों की तरफ से किसानों को सलाह दी जा रही है कि बाजार को देखकर ही अपना निर्णय लें और हो सके तो इसका भंडारण कर लें। रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स TV।